हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एट योर होम। इन द प्रीवियस पीरियड वी हैव टू लर्न द सेकेंड चैप्टर हाउ द बुलबुल बिकम किंग ऑफ बर्ड्स विच इज़ रिटन बाय मीरा ओबरॉय एंड इट इज़ वन ऑफ द फोक टेल। इन दिस लेसन वी हैव लर्न दैट सम ऑफ द बर्ड्स आर चूजिंग देयर किंग and they decided their king and a meeting in the branch of great banyan tree. Now let we learn today this lesson. And so it went on until the parrot said, I think the bulbul should be our king. वहाँ से parrot बोलता है कि बुलबुल को क्यों ना हम king बनाए। That suggestion has some merit. Merit means value. इस suggestions का कुछ value है, merit है. Said the wise looking stork. He sings sweetly, has a happy, cheerful nature, and above all, he is not cruel and vengeful. Vengeful means a person, someone who wants to take revenge. वो अच्छी गाती है, खुश रहती है, चीयरफुल होती है और किसी को हानि भी नहीं पहुंचाएगी, ऐसा पैरट स्टॉक ने कहा। ही डजंट हर्ट टाइनी बर्ड्स लाइक मी से द टेलर बर्ड बुबिंग हिज टेल। बुबिंग मीन्स क्विकली मूविंग अप एंड डाउन, अपनी पूंछ हिलाता हुआ। क्विकली मूव डाउन हिज टेल मीन्स उसकी पूंछ हिलाता हुआ टेलर बर्ड बोलता है वो मेरे जैसे छोटे बर्ड्स को भी लाइक करेगी और हार्ड भी नहीं करेगी, कोई हानि नहीं पहुंचाएगी। बट वो विल टेल द हॉर्नबिल ही इज नो लॉन्गर किंग, आज द स्मॉल ब्लू किंग फिशर फियरफुली। बट वो विल टेल द हॉर्नबिल ही इज नो लॉन्गर किंग, बट ऐसा हॉर्नबिल को कौन बताएगा कि वो अब किंग नहीं है? ऐसा किंग फिशर, छोटे से किंग फिशर ने डरते हुए आवाज में बोला। He will kill the one who does. जो भी उसे कहने जाएगा उसे वो तो मार देगा, क्योंकि वो तो अब राजा है ही नहीं, ऐसा कौन बोलेगा उसे? I have an idea, said the brown wood owl. आउल के पास एक आइडिया था, ऐसा उसने बताया। But I will need your help. लेकिन आप सबकी मुझे मदद चाहिए। He said to the woodpecker. उसने woodpecker को बोला, आप सबकी मुझे मदद चाहिए। इन लो विस्पर्स ही टोल्ड द बर्ड्स हिज प्लान एंड ऑल एग्रीड इट वॉज एक्सलेंट। अ फ्यू वीक्स लेटर द ब्राउन आउल वेंट टू द हॉर्नबिल हु वॉज सिटिंग ऑन द पीपल ट्री प्रीनिंग हिज फीदर्स। प्रीनिंग मीन्स हियर वर्ड प्रीनिंग मीन्स उसके संभालना, उसके पीछों को संभाल रहा था। पीपल के ट्री के नीचे बैठा था और वहाँ पर कौन पहुँचा? उसके पास आउल पहुँचा। Why are you here? asked the hornbill. Hornbill ने कहा, क्यों आए हो? Aren't you supposed to be asleep? Your majesty, the birds wants to put you a test, just to remind themselves how worthy you are, said the owl said with the bow. झुके हुई गर्दन के साथ आउल ने कहा, Your majesty, नामदार, द बर्ड्स वॉन्ट टू पुट यू अ टेस्ट, सारे बर्ड्स आपकी एक टेस्ट लेना चाहते हैं, जस्ट टू रिमाइंड देमसेल्व्स हाउ वर्दी यू आर, आप कैसे हमें बचा सकते हो, आप कितने वर्थी हो। इसके लिए सारे बर्ड्स आपकी एक टेस्ट लेना चाहते हैं। एंड वैन यू पास एवरी वन विल नो यू आर द राइटफुल किंग ऑफ द बर्ड्स। आपको पता ही है कि आप एक बहुत ही अच्छे राजा हो सारे बर्ड्स के। तो हॉर्नबिल थॉट एंड सिंस थिंकिंग डिडेंट कम इजीली टू हिम ही टुक अ व्हाइल वेरी वेल ही सेड एट लास्ट व्हाट डू यू वांट टू डू मी टू डू, मुझे क्या करना होगा? हॉर्नबिल ने सारे सब सोचा और उसे बताया कि अब मुझे क्या करना होगा। व्हाट डू यू वांट मी टू डू, आप मुझे क्या करवाना चाहते हो? यू विल हैव टू फ्लाई अप इन द स्काई, आपको बहुत ही ऊंचे उड़ना होगा, हाई अप। लैंड ऑन अ थिक ब्रांच एंड ब्रेक इट, वहाँ से उड़ते उड़ते आपको एक थिक ब्रांच पर लैंड होना है, वहाँ पर बैठना है और उसको तोड़ना है। हू एवर डज दैट विल बी द किंग ऑफ बर्ड्स, ऐसा करके दिखाएगा
वो हमारा और पक्षियों का राजा होगा। द ऑल टोल्ड हिम एडिंग सिलिकली, यू हैव नो सीरियस कंपटीशन, यू आर बाउंड टू विन। दे फ्लू टू द क्लियरिंग वेयर द बर्ड्स वर ऑल गैदर्ड। विच ब्रांच डू यू वॉन्ट मी टू ब्रेक, आस्क्ड द हॉर्नबिल। कौन सी ब्रांच तोड़वाना चाहते हो बोलो। हरी अप, आई टोल्ड आई डोंट हैव ऑल डे। जल्दी करो, मेरे पास पूरा दिन नहीं है। तो ऐसे जो है वो आउल उसके पास एक शर्त रखता है कि आपको एक हाई फ्लाई करना है, देन आफ्टर सिट ऑन द ब्रांच एंड ब्रिक इट। नाउ व्हाट हैपेंड वी सी ऑन द नेक्स्ट पेज। दैट वन सेड द आउल, पॉइंटिंग टू थिक ब्रांच ऑन अ ह्यूज सिल्क कॉटन ट्री। वो वाली, ऐसा आउल ने कहा, एक कॉटन ट्री का, सिल्क कॉटन ट्री का था लार्ज, जो बड़ा सिल्क कॉटन ट्री था उसकी ब्रांच को बताते हुए कहा, ये वाली तोड़नी है। तो हॉर्न विल फ्लू अप एंड लैंडेड ऑन द ब्रांच एज हैवीली एज ही कुड, बट ही ब्रांच डिडंट इवन स्टायर। हॉर्न बिल तो उड़ा और उस ब्रांच पर बैठा, लेकिन वो ब्रांच टूटी नहीं। ही जम्प ऑन इट, उसने उसके ऊपर जंप किया, थम्पिंग हार्ड, बट देयर वॉज नॉट सो मच एज अ क्रैक, लेकिन वो टूटी नहीं। द हॉर्नबिल लुक्ड डाउन एट हिज सब्जेक्ट इन राइट रॉयल टेम्पर। राइट रॉयल टेम्पर इट मीन्स व्हेन समवन इज इन अ, ही इज अ वेरी एंग्री, वो बहुत ही गुस्से में था और बोला, इफ आई कांट ब्रेक इट नो वन कैन, अगर मैं नहीं तोड़ सकता तो और कोई नहीं तोड़ सकता, सो आई एम स्टिल किंग, ही शाउटेड, उसने चिल्ला कर बोला, तो अभी मैं ही किंग हूँ। ग्लेयरिंग एट देम विथ हिज क्रूअल आइज, सबके सामने वो निर्दयता भरी हृदय से देखने लगा, आँखों से देखने लगा। वी वॉन्ट द बुलबुल टू ट्राई योर मैजेस्टी, कॉरस द बर्ड्स अनडाउंटेड। अनडाउंटेड मीन्स विदाउट फियर, सब विदाउट फियर बोलने लगे कि हमारा जो बल्ब, हमें जो चुनना है उस बुलबुल को ट्राई करने दिया जाए। दैट्स पुन्नी लिटल ट्विटर, दैट्स पन्नी लिटल ट्विटर स्नियर्ड द हॉर्नबिल विथ हिज बीक इन द एयर। स्नियर्ड इट मीन्स सेड डिसरिस्पेक्टफुली। लेट हिम ट्राई बट माइंड द ब्रांच मस्ट बी एज थिक एज दिस वन। हाँ, उनको ट्राई करने दिया जाए, लेकिन ब्रांच जो है वो ऐसी ही थिक, यानी कि मोटी होनी चाहिए, थिक होनी चाहिए। द आउल पॉइंटेड टू अनदर ब्रांच इवन थिकर देन द वन द हॉर्नबिल वॉज अ, द आउल पॉइंटेड टू अनदर ब्रांच इवन थिकर देन द वन द हॉर्नबिल वॉज पर्च्ड ऑन, जहाँ पर हॉर्नबिल आराम कर रहा था। पर्च्ड ऑन मीन्स रेस्टिंग, जहाँ पर हॉर्नबिल रेस्ट करता था। वो आउल ने सजेस्ट की कि इस ब्रांच को तोड़ो, इज दिस थिक इनफ योर मैजेस्टी, नामदार ये सही होगी, ठीक है ये, ही आस्क। यस सेड द हॉर्नबिल विथ रिड लाफ, हंसते हुए कहा, यस लेट मी सी हिम ब्रेक दैट, मुझे देख, मैं देखना चाहता हूँ कि वो ब्रेक कर पा रही है या नहीं। द बिलबिल रोज इन टू द एयर फिलिंग द क्लियरिंग विथ हिज मेलोडियस सॉन्ग एंड देन डार्टिंग डाउन। He landed on the branch with a flutter of his wings. Crack went the branch and crashed to the ground. The hornbill was so surprised, he fell on his perch and landed in the thorny branches. मतलब कि वो जहाँ पर बैठता था वहाँ पर बुलबुल आई और तो बड़े ही अपने melodious, melodious means sweet song से, musical or tuneful, बहुत ही अच्छे song से वहाँ पर बैठी और अपने विंग्स जो है वो फ्लटर किए, फड़फड़ाए, और क्रक वेंट द ब्रांच एंड क्रैश द ग्राउंड। वो ब्रांच क्रक करके टूट गई और ज़मीन पर गिर गई। द हॉर्नबिल वॉज अ सो सरप्राइज इज फेल ऑफ हिज पर्च। हॉर्नबिल जो है वो सरप्राइज हो गया कि ऐसे कैसे टूट सकती है ये। द बर्ड इन द ट्रीज ट्विटर्ड एंड चीप्ड एंड कोइड एंड हुटेड। सारे बर्ड जो है वो हुट, साउटिंग, हुट करने लगे। द बुलबुल शेल बी अवर किंग, लॉन्ग लिव द बुलबुल। बुलबुल जो है वो हमारा किंग है,
अब बुलबुल आप बहुत बहुत जियो। द हॉर्नबिल क्लाइम्ब आउट ऑफ द टेंगल ब्रांचेस ग्लैटर्ड एट हिज फॉर्मर सब्जेक्ट बेलफुली। बेलफुली मीन्स विथ हार्म इंटेंशन। हार्म इंटेंशन से जो है वो ब्रांचेस पर चढ़ा हॉर्नबिल एंड फ्लू अवे, और फिर उड़ गया। एज सुन एज ही वॉज आउट ऑफ साइट द बर्ड्स बिगिन टू लाइफ। जब वो नहीं दिख रहा था उड़ता हुआ, तो सारे बर्ड जो है वो हंसने लगे। डिड यू सी हिज फेस, आस्क द पैरट गिगलिंग। पैरट ने गिगलिंग करते हुए बोला, डिड यू सी हिज फेस, आपने उसका फेस देखा, मुंह देखा। द फूल डिडंट नो दैट द वुडपेकर हैड बोर्ड थ्रू द ब्रांच। मतलब वुडपेकर ने उस दांत, वो जो ब्रांच थी उसका खोखला कर दिया था। अ फादर वुड हैव अ ब्रोकन इट, सॉरी अ फीदर वुड हैव अ ब्रोकन इट। दैट वॉज अ वेरी गुड आइडिया ऑल। ये एक योजना बनाई गई थी सब पक्षियों के द्वारा कि वुडपेकर जो है उसे खोखला बना देगा, अगर उसके ऊपर कोई फीदर भी गिरता, हिदर जितनी भी वजन गिरता तो वो टूट जाता। एंड सो द बुलबुल बिकम द किंग ऑफ द बर्ड्स एंड हिज सब्जेक्ट्स वर वेरी हैप्पी विद देयर चॉइस। इस तरह से बुलबुल जो है वो एक किंग बन गया। दो इट मस्ट बी एडेड दैट नॉट ऑल क्रिएचर्स चूज देयर किंग सो वाइसली और सो वेल। अब ऐसे ही सो सारे बर्ड्स है, सारे क्रिएचर्स है, वो अपना किंग जो है वो ऐसे वाइसली चूज करने चाहिए। अगर ऐसे नहीं चूज़ किए जाते किंग, तो फिर हमें या जो भी मानवता का जो भी ग्रुप्स है, या जो भी क्रिएचर्स है, जो भी ह्यूमन बीइंग्स है, उन सबको हार्म पहुंच सकता है। सो ये स्टोरी जो है वो यहाँ पर समाप्त होती है। देन आफ्टर यू शुड बी रीड एट योर होम एंड ऑल्सो राइट डाउन द हार्ड वर्ड्स ऑफ दिस लेसन इन योर बुक। थैंक यू ऑल ऑफ यू।